कवर्धा में झंडा विवाद का मामला शांत होने के बजाय लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कबीरधाम जिले में चक्का जाम किया गया, जिसमें कवर्धा, लुहारा, पिपरिया, पूरी, पंडातरई और पंडरिया समेत जिले भर में चक्का जाम बंद का असर देखा गया। वहीं कवर्धा शहर में हजारों की तादाद में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। इस दौरान सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और पूर्व विधायक अशोक साहू, चंद्र प्रकाश उपाध्याय समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और नेता भी रैली में शामिल रहे। रैली में शामिल युवाओं ने विवादित स्थान पर एक बार फिर झंडा लगा दिया और वही रविवार की घटना के विरोध में जमकर उत्पात मचाया। सड़क के किनारे लगी गाड़ियों में और दुकानों में भी तोड़फोड़ की खबरें मिली हैं। हालांकि इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की अपील करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाना शुरू किया, जिसको देखते हुए सांसद संतोष पांडे रैली को छोड़कर चल बने। इधर धारा 144 के बाद भी रैली निकालने पर पुलिस ने एक बार फिर से लाठी चार्ज किया, जिसमें कई लोग बुरी तरह से पीटा गया। लाठी चार्ज के दौरान दर्जनों लोगों की घायल होने की खबर है। वहीं कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा में कर्फ्यू का ऐलान किया है, लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया है। आपको बता दें कि रविवार को झंडा लगाने के नाम पर शहर के लोहारा नाका चौक में विवाद हुआ था, जिसमें कुछ लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता कर पिटाई कर दी थी। इसके बाद से ही कवर्धा में स्थिति तनावपूर्वक बना हुआ है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से अशांत करने की कोशिश की जा रही है और अभी जो कल घटना हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये केवल घटना के कारण नहीं, कल के कारण नहीं, विगत 5-7 साल से, यह कहना चाहिए कि अभी विगत 3 साल से विशेष करके, जिस प्रकार से के गांव में, क्षेत्र के अंदर एक संप्रदाय विशेष द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, आपको मैं बताऊं कि उसमें पक्षपात भी प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, उसके कारण ही ये सब प्रकार की घटनाएँ हुई हैं। कल जिस प्रकार से भगवा ध्वज को निकाल करके फेंका गया, अपमान किया गया, लात मारा गया, डंडे से मारा गया, ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे शांतिप्रिय समाज है, बाकी लोगों के 150 देश होंगे, किंतु हिंदू तो हिंदू का केवल एक ही देश है, वो भारत है। और हिंदू हमेशा शांति के साथ अपना जीवन यापन करता है। कल जिस प्रकार की घटना हुई, चाकूबाजी हुई, चित्र में दिख रहा है, वीडियो में, एक एक मारने वाले को गिरफ्तार करें, मारने वाले कौन है सब जानते हैं।